You're tuned to Canberra's Multicultural Service Radio on Canberra's CMS Radio. It's FM 91.1. The next program will be in Indian language. Shrotao, agla karyakram hoga Hindi bhasha mein. Radio Manpasand, to lage rahiye, sunte rahiye. Radio Manpasand. नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ जगदीश और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस मंगलवार के प्रोग्राम में। और आज है 6th of June 2017 और अगले एक घंटे के लिए मैं आपके साथ रहूँगा, तो लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद ऑन कैनबेराज मल्टीकल्चरल सर्विस रेडियो ऑन FM 91.1। तो श्रोताओं, आज कुछ इंडिया के कुछ समाचार सुनेंगे, कुछ बॉलीवुड की बातें करेंगे, एक बर्थडे मनाएंगे बॉलीवुड सेलिब्रिटी का। और वैसे देखा जाए तो आज तो वैसे बहुत ही ठंड थी, सुबह कुछ बारिश भी थोड़ी सी हुई थी और आज अभी तो करंटली टेम्परेचर है 8 degrees और रात को मैक्सिमम जाने वाला है 12 degrees और कल भी वही हाल है, 13 degrees है कल। कल मिनिमम 1 degree तक नीचे जाने वाला है, तो ये सर्दी का मौसम है, बहुत ठंड है। तो आइए सुनते एक गाना जो है एक आने वाली नई फिल्म, सलमान खान की एक फिल्म है नई जिसका नाम है ट्यूबलाइट। तो उसमें कहा गया है कि नाच मेरी जान, तो शायद आपकी थोड़ी ठंड कम हो जाएगी। तो आइए सुनते हैं ये गाना ट्यूबलाइट फिल्म से। तू मेरा हुक्म का इक्का, तू ही मेरी क्रिकेट का छक्का, मैं अलादीन तू मेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन। मेरी बॉडी का सिक्का, तू ही दिलदार मेरा पक्का, तू अलादीन मैं तेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन। मैं किसी से कम नहीं, तूने सिखाया जीने का नुस्खा, यही तूने बताया। नाच मेरी जा होके मगन, तू छोड़ के सारे किंतु परंतु, नाच मेरी जा होके मगन, तू छोड़ के सारे किंतु परंतु, मार चलांगे झूले गगन, तू छोड़ के सारे किंतु परंतु, नाच मेरी जा होके मगन, तू छोड़ के सारे किंतु परंतु। नहीं जमा नहीं जमा नहीं जब तक दिला से, रिश्ता हमारा जैसे कि डोरी,
सारे किंतु परंतु नाच मेरी जा ओके मगन तू छोड़ के सारे किंतु परंतु माल चलांगे चूल्हे गगन तू छोड़ के सारे किंतु परंतु नाच मेरी जा ओके मगन तू छोड़ के सारे किंतु परंतु तो श्रोता, ये गाना था, एक नई आने वाली फिल्म है 23 जून को रिलीज़ होने वाली है और उसका नाम है ट्यूबलाइट, जिसमें ऑफ कोर्स सलमान खान हैं और दिस फिल्म इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सलमान खान एंड कबीर खान। इन दोनों ने इसके पहले जो फिल्म बनाई थी बजरंगी भाईजान, वो भी एक सुपरहिट रही थी। और ये जो ट्यूबलाइट फिल्म है, ये जो 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था उसके बैकग्राउंड पे ये फिल्म बनी है और सलमान खान एक लीड रोल कर रहे हैं। और भी एक पक्की खबर है कि शाहरुख खान इसमें एक कैमियो करने वाले हैं और इसका म्यूज़िक है प्रीतम का। और ये फिल्म का बजट तो वैसे 100 करोड़ का है, मगर ऑलरेडी उन्होंने जो सैटेलाइट राइट्स, म्यूज़िक राइट्स जो बिके हैं, उससे उनको ऑलरेडी 100 करोड़ से ज़्यादा पैसे मिल चुके हैं। और वैसे चाइना में भी ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है, उसका भी उन्हें बहुत पैसा मिला है। तो मेरे ख्याल से ये फिल्म बहुत ही हिट होने वाली है और इसके जो म्यूज़िक राइट्स है वो 20 करोड़ में बेचे गए हैं। और एक सरप्राइजिंगली एक बात यह है कि इसमें सिर्फ 3 ही गाने हैं। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का और एक गाना, रेडियो सॉन्ग। रेडियो बजाइयो जरा। श्रोता, आपने भी रेडियो ऑन किया होगा, इसे मुझे आशा है, और आपने गाना एंजॉय किया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत ही बढ़िया गाना है, प्रीतम ने दोनों ही गाने बहुत ही बढ़िया दिए हैं। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक गाना सुनते हैं, राब्ता। राब्ता यानी करेक्शन, इस फिल्म से एक गाना सुनते हैं। इसमें है सुशांत सिंह राजपूत और कृति सनन और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है दिनेश विजन, जिन्होंने पहले फिल्म्स प्रोड्यूस की थी जैसे लव आजकल है, कॉकटेल है, बदलापुर है
और इस फिल्म में खास बात यह है कि दिलवाले में एक जो एक कॉमेडियन एक्टर थे वरुण शर्मा, उनका भी इस फिल्म में एक बहुत ही बढ़िया रोल है। तो आइए सुनते हैं राब्ता फिल्म का ये गाना एक वारिया। वारिया ये गाना था फिल्म राब्ता से, जिसमें है सुशांत सिंह राजपूत और कृति सनन, और साथ में है दिलवाले एक्टर वरुण शर्मा।
चलिए अगला गाना सुनते हैं। एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है जिसका नाम है स्वीटी वेट्स इनाराय। मेरे ख्याल से तनु वेट्स मनु इस फिल्म के टाइटल से इंस्पायर होकर टाइटल बनाए मेरे ख्याल से, और इसमें वैसे तो बहुत सारे नए कलाकार हैं, मगर इसमें एक जो गाना है वो तो बहुत ही एक उस ज़माने का गाना है जब इंडिया में नए नए पॉप वीडियोस आया करते थे। उस ज़माने का जो लेट 90s और अर्ली 2000 में जो गाने आते थे उसमें से एक गाना उन्होंने इस फिल्म में लिया है, उसको रिक्रिएट किया है। तो आइए सुनते हैं ये गाना कुड़ी गुजरात दी। दिल लगी, ये गाना था स्वीटी वेट्स एनआरआई से, और इसमें एक सवाल था केम छो मजामा, मगर ये बात हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में कह नहीं सकते क्योंकि आजकल जो चैम्पियंस ट्रॉफी चल रही है, जो मैचेस चल रहे हैं इंग्लैंड में, उसमें ऑस्ट्रेलिया की जो स्थिति है थोड़ी नाजुक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो दो गेम्स थे इसके पहले के, जो बारिश के कारण न्यूजीलैंड के साथ और बांग्लादेश के साथ, दोनों ही एबेंडन किए गए थे। अगर अभी
उनको खेलना है होस्ट टीम इंग्लैंड के साथ 10 जून को टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल्स। और इंडिया की वैसे हालत तो अच्छी है, और मगर इंडिया के बारे में विराट कोहली का कहना था कि हमारी बैटिंग तो बहुत अच्छी थी, बैटिंग में अगर 10 में से मुझे कुछ गुण देने हैं तो मैं 9 दे दूंगा, मगर जो फील्डिंग थी वो हमारी इतनी अच्छी नहीं थी तो उसको मैं 10 में से 6 गुण दूंगा। तो शायद हमारी इंडियन टीम को फील्डिंग पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और एक खबर है कि महाराष्ट्र में जो किसान हैं उनका उनकी हड़ताल चल रही है, क्योंकि उनका कहना है कि हमें गवर्नमेंट ने जो हमने लोन लिया है वो माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब है। आप तो जानते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत सारे किसान हैं पिछले कई सालों से सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनका इतना लोन बढ़ गया है कि वो चुका नहीं सकते वो कर्ज़ा। मगर महाराष्ट्र सरकार ने कुछ लिमिटेड लोगों का कर्ज़ा माफ़ किया है और ये किसानों को पसंद नहीं है, तो पिछले 6 दिनों से ये हड़ताल चल रही है, तो देखते क्या होता है। और शिवसेना ने भी जो किसान है उनको ही सपोर्ट किया है, तो देखते क्या होता है। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक गाना सुनते हैं। ये भी एक उस ज़माने का एक गाना है जब नए नए पॉप वीडियोज़ आया करते थे, और एक हाल ही में हिंदी मीडियम नामक फिल्म आई है उसमें ये गाना फिर से रिक्रिएट किया गया है। और हिंदी मीडियम के बारे में बात करेंगे तो ये मूवी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली में टैक्स फ्री कर दी गई है। तो चलिए सुनते हैं हिंदी मीडियम फिल्म का एक गाना। करता हूँ
प्लेलिस्ट में मेरी बस सैड सॉन्ग चलते हैं। दिल जला के रोशन की तो मैं तो तेरी अलावा लूं, तुपले के मैं गलिया तेरे वाल सुकनी ठंडिया शावा लूं। दिल जला के रोशन की तो मैं तो तेरी अलावा लूं, तुपले के मैं गलिया तेरे वाल सुकनी ठंडिया शावा लूं। समझ न पाए क्यों तू मेरे प्यार परे जज्बातन, अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं, रोकण पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। महिलाओं के लिए नियमित रूप से स्क्रीनिंग कराना सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रहने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। वर्तमान समय में 20 से 69 साल की सभी महिलाओं को हर 2 वर्ष में एक बार पैप टेस्ट कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, भले ही उन्हें HPV का टीका लगा हो। इस साल वर्तमान सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्टिंग व्यवस्था में बदलाव किए जाएंगे। 25 से 74 साल की महिलाओं को हर 5 वर्ष में एक बार एक नए प्रकार का सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्ट कराने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। परंतु 2017 में इन बदलावों के लागू होने से पहले महिलाओं को अपने नियमित पैप टेस्ट कराने में देरी नहीं करनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए अपने स्वास्थ्य चिकित्सक से बात करें या 131556 पर फोन करें। ACT हेल्थ के ACT सर्वाइकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम की ओर से एक संदेश। जी हाँ श्रोताओं, ये गाना था मंथन फिल्म का जो रिलीज़ हुई थी 1976 में, और ये गाना उस जमाने में बहुत ही पॉपुलर हुआ था। और शायद आप जानते होंगे कि इसकी गायिका कौन है। जी हाँ श्रोता, आपने सही पहचाना, ये गायिका थी प्रीति सागर। इनकी एक आवाज़ में एक बहुत खासियत थी, यानी बहुत एक अलग आवाज़ थी, थोड़ी नेजल आवाज़ थी मगर बहुत ही बढ़िया आवाज़ थी। मगर ज़्यादातर उन्होंने 8 फिल्मों में ज़्यादा गाने गाए हैं, जैसे एक निशांत फिल्म आई थी 1975 में, भूमिका आई थी 1977 में, कलयुग 1981, मंडी 1983। मगर उन्हें इस गाने के पहले, सबसे पहले जो उनका गाना पॉपुलर हुआ था वो था फिल्म जूली से, और वो एक इंग्लिश गाना था।
और बहुत ही हिट हुआ था वो गाना। जूली के वैसे सभी गाने हिट हुए थे, और आज हम प्रीति सागर जो गायिका है उनको आज बधाई देते हैं, उनका आज जन्मदिन है। तो मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे प्रीति सागर जी। तो आइए सुनते हैं उनकी फिल्म जूली का, जो 1975 में रिलीज हुई थी, ये एक इंग्लिश गाना। Z-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 
तो ये थी प्रीति सागर और गा रही थी माई हार्ट इज बीटिंग फ्रॉम जूली, जो 1975 में रिलीज हुई थी। और ओवरनाइट प्रीति सागर एक बहुत ही हिट गायिका मानी गई थी। तो हम फिर से उन्हें जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं और कुछ इंडिया की खबरें सुनते हैं। इंडिया में 1 जुलाई से GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होने वाला है। तो करीब करीब 24 जो हमारे स्टेट्स हैं उन्होंने वो अपनी विधानसभा में बिल पास किया है। कुछ 3-4 राज्य हैं उन्होंने अभी तक वो पास नहीं किया है, पर मेरे ख्याल से उनको 1 जुलाई के पहले करना ही पड़ेगा। उनका मानना है कि और 1 महीना है, जल्दी क्या है, तो देखते हैं, होना तो चाहिए। और एक गर्व की बात यह है कि हमारे देश में यानी भारत देश में देश का अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट GSLV Mark III लॉन्च हो गया है। इसका पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इसमें देश में ही विकसित क्रायोजेनिक इंजन लगाया गया है। ये रॉकेट एक बड़े सैटेलाइट सिस्टम को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा। तो बहुत ही गर्व की बात है हमारे सारे भारतीय लोगों के लिए। तो चलिए श्रोताओं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक गाना सुनते हैं। सजदा तेरा
ये गाना था फिल्म राब्ता से, और एक गाना सुनते हैं मेरी प्यारी बिंदु से। ये जो टाइटल है गाने का, एक पुरानी फिल्म थी पड़ोसन, जिसमें गाना था मेरी प्यारी बिंदु, जिसे किशोर कुमार ने गाया था, तो उसी को लेकर, ये टाइटल को लेकर फिल्म बनी है। आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा है। तो आइए इस फिल्म का एक गाना सुनते हैं, हारिया। चांद देखया, नूरा वाले सितारे देखया, पर तेरे जैसा ना कोई देखया। मैं लगता है निगाहों में तेरी, बिन डूबे रहना ही नहीं मुझे इश्क ये करने से, अब कोई भी ना रुक सकया। ओ हारे आ मैं दिल चौथा बारी है कुछ अनाउंसमेंट्स की, जो कैनबरा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में। एक अमित टंडन, जो एक बहुत ही मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो कैनबरा में आ रहे हैं, और उनका परफॉर्मेंस है फ्राइडे 21 जुलाई को 6:30 बजे, और ये होने जा रहा है कैनबरा कॉलेज में, जो है लॉन्सेस्टन स्ट्रीट वार्डन पे। और इसके टिकट्स आपको मिल सकते हैं ऑन www.premiertickets.com.au पर, और इसके टिकट्स है $75, $40 एंड $25। और अधिक जानकारी के लिए आप रेडियो मनपसंद साइट पर जा सकते हैं। और एक नाटक होने वाला है
कैनबेरा में। पिछले साल हुआ था अंधी दौड़ और इस समय होने वाला है बी बिंदास। ये आपके लिए ला रहे हैं विविधा आर्ट्स, जो ये जो ड्रामा है, जो प्ले है, लिखा है और डायरेक्ट किया है ज्योत्सना ज्योति जी ने। और ये होने जा रहा है सैटरडे 22 जुलाई एट 6:30 PM एट बेलकॉनन कम्युनिटी थिएटर। और अधिक जानकारी के लिए आप रेडियो मनपसंद की साइट पर जा सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और एक अखंड रामायण पाठ जो हर साल श्री विष्णु शिवा मंदिर में होता है, जो मौसन में है, तो ये जो अखंड रामायण पाठ होने वाला है सैटरडे 10 जुलाई से संडे 11 जून तक, सैटरडे 10 जून से लेकर 10 बजे से लेकर संडे को नून तक ये चलता रहेगा, और फॉलोड बाय भजन्स एंड हवन, आरती एंड महाप्रसादम। तो आप सभी को आमंत्रण है, ज़रूर आइएगा, अखंड रामायण पाठ में हिस्सा लीजिए, ज़रूर आइएगा। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गाने दे मुझे और भाड़ में जाए साली, ये यारी दुनियादारी, घर में तेरे आने देना मुझे। जरा सी तेरी खिड़की खोल दे, फिर की छोड़ दे, उड़ उड़ जाने दे। जरा सी मुझे ढील तो दे, जरा फील तो दे, मुझे खुश हो जाने दे। यारी वारी की खातिर जरा पास तो आने दे। जवानी तेरी ये जवानी मेरी, ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, जज जीने नहीं देती। ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, ये जवानी मेरी, ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, जज जीने नहीं देती। ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, जज जीने नहीं देती। पर खच्चे आजा खूंचे के उड़ाए, ओ नहीं 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 आजा मिलके अफवाहें उड़ाए, घर 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 वालों की नाकों को कटाए। थोड़ी सी देखो तेरी भी थोड़ी मेरी भी, होने दे बदनामी, हम बोलो वो जवानी क्या जिसमें ना हो थोड़ी सी अय्याशी। आधी आधी रात के हम पूरे पूरे साथी। जवानी तेरी ये जवानी मेरी, ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, जज जीने नहीं देते। ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, जज जीने नहीं देते। ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, ये जवानी तेरी ये जवानी मेरी, जज जीने नहीं देते। श्रोताओं, आपने आज इंटरनेट पर देखा होगा कि जयपुर में एक घोड़ा गर्मी के कारण रास्ते पे आ गया था और उसने एक
कार को एकदम धड़क मारी और जो उसकी जो ग्लास थी वो फोड़ के वो अंदर उसका सर चला गया था। तो मेरे ख्याल से इंडिया में मेरे ख्याल से बहुत सारी सारे जगह पे गर्मी है, जयपुर में भी गर्मी होती है, राजस्थान का ये पार्ट है तो शायद आपने देखा ही होगा। तो चलिए उसी बहाने गाना सुनते हैं। श्रोताओं, हमारे प्रोग्राम का समय खत्म होने जा रहा है और हम कहते हैं गुड बाय, गुड नाइट, सायोनारा और मिलेंगे संडे की सुबह 10 बजे। और तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं और जाते जाते ये गाना छोड़ के जाते हैं आपके लिए।